ये आप देख पा रहे होंगे सेंसर जो है वो एक्टिवेट हो गया है, तो साइड स्टैंड डाउन रहेगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने प्रेजेंट है यहाँ पे ऑल न्यू हीरो सुपर स्प्लेंडर 125 का बिल्कुल ही न्यू मॉडल जो कि काफ़ी अच्छे लुक्स और ग्राफिक्स के साथ आया है। तो इसमें दो वेरियंट्स अभी कंपनी ऑफर कर रही है, एक है यहाँ पे डिस्क ब्रेक वेरियंट जो कि वहाँ पर लगा हुआ है और इस साइड में यहाँ पे ड्रम ब्रेक वेरियंट। अगर हम बात करते हैं इसके प्राइसिंग वगैरह के बारे में तो सभी डिटेल्स आपको हम वीडियो में देने वाले हैं अभी, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देख लें। ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं तुलिका हीरो जो कि पचम्बा गिरिडीह में है। अगर आप गिरिडीह एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप शोरूम पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स एक काफ़ी अच्छी ऑफरिंग है हीरो के तरफ से यहाँ पे 125 सीसी सेगमेंट में, और इसका जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट जो है वो 75,600 रुपीज़ के अप्रॉक्स में यहाँ पे मिल जाता है एक शोरूम, और ऑन रोड ये लगभग में यहाँ पर आपको 88,000 से 89,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर अभी आप देखते हैं 125 सीसी सेगमेंट में तो एसपी वगैरह जो है वो यहाँ पे लगभग में आपको 1 लाख रुपीस के आसपास में ऑन रोड आती है, और बाकी रेडर वगैरह का भी जो प्राइस है वो भी अभी मतलब यहाँ पे 1 लाख रुपीस के ही आसपास आपको मिलता है। तो इसमें कंपनी यहाँ पे अब आपको जो है वो डिजिटल में मीटर कंसोल ऑफर कर रही है, मतलब डिजिटल प्लस एनालॉग में, ये आप देख पा रहे होंगे। तो कुछ इस टाइप से इसका मीटर यहाँ पर ऑन होता है, और यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर वगैरह आपको मिल जाता है, स्पीड इंडिकेटर एनालॉग में है, बाकी साइड स्टैंड सेंसर कंपनी ऑफर करती है, हीरो का लोगो है, और यहाँ पे इंजन माल फंक्शन लाइट आपको मिलता है साइड स्टैंड में, दिखाता हूँ आपको। ये आप देख पा रहे होंगे सेंसर जो है वो एक्टिवेट हो गया है, तो साइड स्टैंड डाउन रहेगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो ये फीचर आपको यहाँ मिल जाता है, I3S का स्विच मिलता है, इंजन किल स्विच कंपनी ऑफर नहीं करती है, यहाँ पर सेल्फ आपको मिल रहा है। मैं बाइक को न्यूट्रल कर लिया हूँ, अब देखते हैं स्टार्ट करके इसे। तो बाइक का एग्जॉस्ट नोट सेम है, पहले वाला ही है, कोई यहाँ पे इंजन वगैरह में चेंजेस नहीं आया है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इंजन का तो इंजन आप देख सकते हैं सेम इंजन कंपनी आपको ऑफर कर रही है, पावर फिगर्स वगैरह भी यहाँ पे सब सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। I3S का आपको यहाँ पर बैज मिलता है, हीरो का लोगो, ग्राफिक्स चेंज हुआ है पीछे में, यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल्स है वो आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको मतलब ग्राफिक्स को ही कंटिन्यू करते हुए ये जो है ये डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है। एग्जॉस्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और बाइब्रे के कंपनी आपको ब्रेक्स यहाँ पे प्रोवाइड करती है जो कि रिफ्लेक्टर्स के साथ आता है। यहाँ पे आपको हीरो का लोगो मिलता है, हेलोजन में कंपनी लाइट्स प्रोवाइड करती है, इंडिकेटर्स जो है वो आपको बल्ब में मिल रहा है, और लाइट्स में आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे हेलोजन में ही आपको लाइट्स यहाँ पर मिल रहा है। टेलीस्कोपिक फोक्स फ्रंट में मिलता है जो कि रिफ्लेक्टर्स के साथ आता है। रेयर में आपको यहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर्स कंपनी प्रोवाइड करती है जो कि एडजस्टेबल रहने वाला है। किक आपको मिल जाता है बाइक में, जो कि फ्रेंड देखा जाए तो काफ़ी ज़रूरी भी है 125 सीसी सेगमेंट में, ज़्यादातर जो बाइक्स है वो किक के साथ आती है, तो इसमें भी आपको किक मिलता है। रेयर में कंपनी जो यहाँ पे आपको टायर्स प्रोवाइड करती है वो 90x90 का 18 इंच का आपको प्रोवाइड करती है, ये आप देख पा रहे होंगे। और अगर बात करते हैं यहाँ पर फ्रंट में तो फ्रंट में भी यहाँ पर मुझे लगता है सिमिलर ही कंपनी टायर ऑफर कर रही होगी। तो फ्रंट में यहाँ पे 80x100 का 18 इंच का आपको टायर मिलता है। तो ओवरऑल में ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आपका बजट कम है तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे आपसे वो हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।